नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आपका स्वागत है। एक्टर सलमान खान और सिंगर अरिजीत सिंह के बीच आपसी विवाद काफी पुराना है। इस विवाद की वजह से अरिजीत को सलमान की कई फिल्मों में गाने का मौका मिलने के बावजूद गंवाना पड़ा, लेकिन हाथ से गए इन मौकों को अरिजीत ने हाल ही में अपने कॉन्सर्ट में पूरा किया। दरअसल अरिजीत ने सलमान के हिट नंबर दिल दिया गल्ला को स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान गाया। खबरों के मुताबिक इस गाने को अरिजीत फिल्म में गाने वाले थे, लेकिन दबंग खान की नाराजगी के चलते उनके हाथ से ये मौका चला गया। ऐसे में इस खूबसूरत गाने को अरिजीत ने स्टेज पर गाया, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया। सिंगर की आवाज में इस हिट गाने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बता दें, इन दिनों अरिजीत सिंगिंग टूर पर निकले हैं। उन्होंने अपने कई सुपरहिट नंबर फैंस को सुनाए, वहीं उन गानों को गाने का अरमान भी पूरा किया जो उनके हाथ से किसी वजह से निकल गए थे। फिल्म टाइगर जिंदा है के ओरिजिनल नंबर दिल दिया गल्ला को फिल्म में पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम ने गाया है। सलमान और अरिजीत के बीच विवाह साल 2014 में गोल्ड अवार्ड के दौरान शुरू हुआ था। अवार्ड शो के दौरान आज की टू फिल्म के गाने तुम ही हो के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड के तौर पर अरिजीत को चुना गया। इस अवार्ड को देने के लिए मंच पर सलमान खान और रितेश देशमुख मौजूद थे, जो कि शो को होस्ट भी कर रहे थे। अरिजीत ने सलमान से कहा कि आप लोगों ने सुला दिया यार। इस पर सलमान ने तुम ही गाने का धुन गाते हुए कहा कि अगर तुम ऐसे ही गाने गाओगे तो नींद ही आ जाएगी। सलमान ने अरिजीत की बात का जवाब मजाकिया अंदाज में दिया, लेकिन शायद मन ही मन में एक्टर के दिल में अरिजीत का ये एटीट्यूड घर कर गया है।